भारत में हजारों साल की सनातन धर्म की परंपराएं चली जा रही है, चली आ रही है मान्यताएं, और हजारों वर्ष की जो संस्कार और संस्कृति हमारे धर्म में है, उसमें चतुर्मास में ना कोई संत ना महात्मा अपना स्थान कोई छोड़ता है, कोई शुभ कार्य नहीं करता है। और विशेषकर तो हर चीज के लिए मुहूर्त देखा जाता है। मुझे इस बात का दुख है कि भगवान राम के मंदिर का जो विवाद सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा था, विश्व हिंदू परिषद तो इसमें कूदा 90 के बाद से, उसके पहले से हनुमानगढ़ी के कई महात्मा, और यहां तक कि गुरु गोरखनाथ जी के मठ के महात्माओं ने भी इसका संघर्ष किया। लेकिन इसका राजनीतिक जो इसको रूप दिया गया, हमारी आपत्ति उस बात की है। मैं स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का, जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारका और जोशी भट्ट के उनका दीक्षित शिष्य, और उनसे मैंने जब ये बात पूछी कि ये जब पूरे देश में ये परंपरा चली आ रही है कि हर शुभ कार्य के लिए मुहूर्त देखा जाता है और चतुर्मास में कोई शुभ कार्य नहीं होता है, शादी विवाह नहीं होता है, तो फिर राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को जो कि भागों में आता है उसमें क्यों किया जा रहा है? तो उन्होंने पूरा हमारे वेदों से पूरा उसका उल्लेख करते हुए और ज्योतिषाचार्य के जो प्रमुख बिंदु है उनको भेजते हुए उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, जिसको मैंने अपने फेसबुक पे डाला, उन्होंने भी अपने फेसबुक पे डाला। अब ये भी सहयोग ही कहिए या क्या कहिए, ईश्वर की जो एक है गति है, मैं कहूंगा पुजारी जितने भी हैं उनको कोरोना हो गया पॉजिटिव, उत्तर प्रदेश के मंत्री की कमला रानी वरुण का दुखद देहांत हो गया कोरोना से, स्वयं अमित शाह जी गृह मंत्री जी कोरोना पॉजिटिव हो गए, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव हो गए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भाजपा के अध्यक्ष और एक मंत्री वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। आखिर ये जो संकेत मिल रहे हैं वो हमारे लिए सब चिंता का एक विषय है। और जब ये देखा जा रहा है कि ट्रैकिंग की जाती है, किसी को कोरोना वायरस हो जाता है उसकी ट्रैकिंग की जाती है, किस किस वो संपर्क में आया, अब कमला रानी जी उत्तर प्रदेश की मंत्री कैबिनेट मीटिंग अटेंड की होगी, उन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया होगा, मुख्यमंत्री जी से मिली होंगी, प्रदेश के अध्यक्ष जी से मिली होंगी, उनका जब दुखद देहांत हो गया तो इस बारे में तो पूरी कैबिनेट को क्वारंटीन होना चाहिए था, वहां के अधिकारियों को क्वारंटीन होना चाहिए था। अमित शाह जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, उनके अधिकारी कर्मचारी और प्रधानमंत्री से जीवित संपर्क रहता है, उनको क्वारंटीन होना चाहिए था, पूरी कैबिनेट को क्वारंटीन होना चाहिए मोदी जी की सरकार। इसी प्रकार कर्नाटक मध्य प्रदेश में भी जब मुख्यमंत्री जी रोज संपर्क में आ रहे हैं, विधायकों की खरीद फरोख कर रहे हैं, तो उन सबको क्वारंटीन किया जाना चाहिए जो उनके संपर्क में आए। अगर साधारण आदमी के परिवार में एक व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसका पूरा घर कंटेनमेंट एरिया हो जाता है और उसको बताना पड़ता है किन किन के संपर्क में आए। तो आम आदमी के लिए अलग कानून है, अलग नियम है,
और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मुख्यमंत्री गृह मंत्रियों के लिए अलग कानून है, ये क्या बात। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं मोदी जी से, ये जो मुहूर्त निकाला गया है ये मोदी जी की सुविधा अनुसार निकाला गया। आप देख रहे हैं किस प्रकार के घटनाक्रम हुए हैं, इसलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि चतुर्मास खत्म हो जाने दीजिए, शुभ कार्य में देव उठ जाए, उसके बाद आप शिलान्यास करिए, आप खुद ही करिए, आप हम नहीं कहते कि आप ना करिए। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी जी को इस बात का भी ऐतराज है कि वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। सैकड़ों वर्ष के संघर्ष के बाद भगवान राम जी का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, राम लला वहां विराजे, हमारी सबकी ये कामना है। लेकिन जब पूरे भारत के हिंदू लोगों की एक परंपरा चली आ रही है, संस्कार चले आ रहे हैं कि हर शुभ काम के लिए मुहूर्त देखा जाता, तो इसके लिए मोदी जी क्यों मुहूर्त दिखा रहे, मोदी जी क्यों मुहूर्त तय कर रहे हैं, ये हमारी आपत्ति है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।